हेलो ऑल, वेलकम टू द पार्ट 6 ऑफ इनफर्टिलिटी सीरीज। जिन कपल्स को बच्चे नहीं हो रहे उनको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने सिर्फ एक जनरल इसको टच किया था, सेकंड में इंटरकोर्स प्रॉब्लम्स, थर्ड में ओवुलेशन, फोर्थ में हमने पढ़ा ट्यूबल प्रॉब्लम्स और फिफ्थ में हमने सुना कि यूट्रस के अंदर का एनवायरनमेंट सही नहीं है तो बच्चा फर्टिलाइज होने के बाद भी अंदर पनपता नहीं और गिर जाता है या फिर प्रेगनेंसी होती नहीं है। अब हमने वुमेन को पूरा डिस्कस कर लिया, लेडी को पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम आएंगे पार्ट 6 पे, आदमियों में यानी कि मेल्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है WHO की लेटेस्ट सीमेन की रिपोर्ट, यानी कि जो लेटेस्ट रिकमेंडेशंस है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे से पूछते हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर से भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सब गूगल से पढ़ के आते हैं या फिर यूट्यूब के वीडियोज़ देख कर आते हैं, तो सबको ये पता होना चाहिए कि आपके सीमेन पैरामीटर्स कब हम बोलते हैं गलत है, कब हम बोलते हैं सही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सीमेन का जो वॉल्यूम होता है आपको 3 से 5 दिन का एब्सटिनेंस बताया जाता है, यानी कि 3 से 5 दिन तक आपको सीमेन नहीं निकालना है। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है, अगर उसमें अगर वॉल्यूम 1.5 ml से कम आता है तो यानी कि आपके अंदर सीमेन कम है। स्पर्म की हम बात नहीं कर रहे, स्पर्म और सीमेन अलग है। सीमेन वो वाटर होता है, जो पानी होता है, जिसके अंदर बहुत कुछ होता है। स्पर्म्स आपको दिखते नहीं है, स्पर्म्स छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो अंदर चढ़ जाते हैं। तो 1.5 ml मिनिमम आपका सीमेन जो आप निकाल के देते हैं लैब वाले को वो होना चाहिए, नहीं तो लैब वाला बोलेगा ये बहुत कम क्वांटिटी है, मैं चेक नहीं कर सकता। सेकेंड चीज़ होती है स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन एंड टोटल स्पर्म काउंट। टोटल स्पर्म काउंट यानी कि जितना आपने दिया है उसके अंदर टोटल कितने स्पर्म्स हैं, वो 39 मिलियन से ज़्यादा होने चाहिए। और स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जितने भी स्पर्म्स हैं उसको डिवाइडेड बाय कितना ml आपने लिक्विड दिया है, 1 ml दिया है, 1.5 ml दिया है, 2 ml दिया है, 3 ml दिया, उससे डिवाइड करेंगे, वो जो नंबर है वो 15 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। तो पहले 20 को कट ऑफ मानते थे, अभी 15 तक WHO बोलता है कि अगर 15 तक भी उस आदमी में 15 मिलियन पर ml स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज ओके, दैट इज स्टिल नॉर्मल, बट लोएस्ट लिमिट इज 15 मिलियन पर ml। फिर आते हैं मोटिलिटी, यानी कि कितने स्पर्म्स आगे जा रहे हैं, कितने स्पर्म्स अपनी जगह पे थोड़े थोड़े हिल रहे हैं और कितने बिल्कुल ही मरे हुए हिल ही नहीं रहे। तो डेड स्पर्म्स जो प्रोग्रेसिवली मोटाइल हैं और जो स्लगिशली मोटाइल हैं, तो जो प्रोग्रेसिवली मोटाइल है हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि जो आगे बढ़ रहे हैं वही आगे ऊपर जाके यूट्रस में चढ़ के फैलोपियन ट्यूब तक जाएंगे, जो वही हिल रहे हैं या फिर जो मरे हुए हैं उनसे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, कम से कम 32%, यानी कि जितने भी स्पर्म्स हिल रहे और आगे भाग रहे हैं वो 32% से ज़्यादा होने चाहिए। देन आते हैं स्पर्म मॉर्फोलॉजी। स्पर्म की जो शेप है, अगर आप ये देख रहे हैं फोटो में, तो स्पर्म का एक हेड होता है, एक मिडिल पीस नेक होता है और एक टेल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब होता है इसमें। अगर आप जूम करके देखेंगे बहुत कुछ होता है इस स्पर्म में, कभी कभी डबल टेल होती है, डबल हेड होता है, कभी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी जो हेड का शेप है वो चेंज हो जाता है, राउंड हो जाता है। तो ये सारी जो मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ये 4% से ज़्यादा अगर नॉर्मल स्पर्म्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 100 में से 4 भी अगर नॉर्मल है तो WHO कहता है नॉर्मल है, क्योंकि इतने सारे मिलियन स्पर्म्स में अगर 4% भी नॉर्मल है तो मान के चलते वो नॉर्मल है। ठीक है, तो इतनी लो परसेंटेज 4% तक हम इसको नॉर्मल मान सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी सीमेन रिपोर्ट। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अंदर बहुत ज्यादा पस सेल्स हो सकते हैं। कई बार आपकी सीमेन रिपोर्ट में जो मेल सुन रहे हैं मेरे को, उसके अंदर बहुत ज्यादा WBCs होते हैं, बहुत ज्यादा पस सेल्स होते हैं, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देंगे, 7 से लेकर 14 दिन के एंटीबायोटिक देंगे। कभी कभी उसके अंदर डेबरी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जो सीमेन आप देते हैं वो लिक्विफाई नहीं हो रहा, उसके अंदर जो एंजाइम है वो कम है, वो एंजाइम आता है प्रोस्टेट से, अगर उसमें एंजाइम कम है तो वो इतना लिक्विफाई नहीं होगा, थिक रहेगा, कि जो लैब वाला बंदा है जो उसको चेक कर रहा है वो चेक ही नहीं कर पाएगा, कुछ भी अलग अलग नहीं हो पाएगा। ऐसे केसेस में आपको कभी कभी प्रोस्टेटिक चेकअप करते हैं या फिर कुछ एंजाइम्स दिए जाते हैं। देन कभी कभी बहुत एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं जिसको हम नॉन स्पर्म सेल्स बोलते हैं, जो कि स्पर्म्स नहीं होते बट फिर भी पूरी स्लाइड, पूरा जो सीमेन सैंपल उसके अंदर खूब सारे सेल्स भरे हुए, इनकी क्वांटिटी लेस देन 1 मिलियन पर ml होनी चाहिए, यानी कि पर ml 1 मिलियन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देन और क्या प्रॉब्लम आती है, आपकी सीमेन में कभी कभी एस्थिनोस्पर्मिया लिखा हुआ आता है। एस्थिनोस्पर्मिया यानी कि जो आपके मोटिलिटी वाले जो स्पर्म्स है, जो 32% से ज़्यादा प्रोग्रेसिवली मोटाइल होने चाहिए, वो इतने मोटाइल नहीं है, 32% से कम जो है आगे जा रहे हैं, बाकी जब वहीं खड़े खड़े हिल रहे हैं, लेजी स्पर्म्स हैं या फिर थोड़ा सा हिल रहे हैं और रुक रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली एस्थिनोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म्स वीक है। स्पर्म्स वीक होते हैं तो ऐसे में हमको उनको हेल्प करके ऊपर यूट्रस में चढ़ाना पड़ता है, और उस प्रोसीजर को आप समझ गए होंगे क्या बोलते हैं, उस प्रोसीजर को बोलते हैं IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सुनेंगे। ठीक है, एस्थिनोस्पर्मिया यानी कि वीकनेस इन द स्पर्म्स, यानी कि स्पर्म्स मरे हुए नहीं है बट वीकनेस है। देन आता है टेराटोस्पर्मिया। टेराटोस्पर्मिया यानी कि जो मैंने 4% मॉर्फोलॉजी बताई है, कि पूरे सैंपल में से 4% भी अगर नॉर्मल स्पर्म्स है, दैट इज नॉर्मल, 4% से ज़्यादा होने चाहिए। तो अगर 4% से कम नॉर्मल है, यानी कि 99% 98% एबनॉर्मल स्पर्म्स है, दैट इज टेराटोस्पर्मिया।
ठीक है। देन आता है एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया सबसे खराब है, यानी कि आपके अंदर स्पर्म्स है ही नहीं। एजूस्पर्मिया यानी कि एक भी स्पर्म अंदर नहीं है, दिख ही नहीं रहा, मरा हुआ भी नहीं दिख रहा, पूरा खाली सैंपल है एजूस्पर्मिया, ठीक है। देन आता है नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रो यानी कि मरा हुआ, यानी कि सारे के सारे स्पर्म्स जो है वो मरे हुए हैं, नेक्रोस्पर्मिया है, यानी कि एक भी जिंदा नहीं है। तो एजोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया में बहुत डिफरेंस है। नेक्रोस्पर्मिया यानी कि ज़्यादातर सारे स्पर्म्स मरे हो, कोई इक्का दुक्का हिल रहा है। एजोस्पर्मिया स्पर्म्स हैं ही नहीं, पूरी खाली स्लाइड है, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब डॉक्टर आपको क्या ट्रीटमेंट देंगे, पहली बात हम कॉजेज की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात में करेंगे। कॉजेज में सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो होता है इडियोपैथिक, हमको पता ही नहीं है। कई बार हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट कहता है मैंने कभी चाय नहीं पी, या पीता हूँ तो सिर्फ चाय थोड़ी बहुत पीता हूँ, कोई एडिक्शन नहीं है, ना ड्रग्स, ना सिगरेट, ना स्मोकिंग, ना बीड़ी, ना अल्कोहल, कुछ भी नहीं है, अफीम भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद, और काम भी क्या करते हैं, टीचर है, सिंपल, कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं है, उसके बावजूद अगर स्पर्म्स नहीं है तो इसमें हम आगे क्या करें, कोई जॉब एक्सपोजर नहीं, कोई एडिक्शन नहीं है, हम पेशेंट को क्या एडवाइस करें। ऐसे में हम उनको बोलते हैं भाई आप अपनी टेस्टिकुलर बायोप्सी करा लो। टेस्टिकुलर बायोप्सी यानी कि छोटा सा एक टुकड़ा टेस्टिस से काट के निकालते हैं, चेक करते हैं उसके अंदर स्पर्म्स हैं कि नहीं। अंदर अगर स्पर्म्स बन रहे हैं तो फिर भी चांस है कि IVF के थ्रू हम इन लोगों को प्रेग्नेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स है तो उसको हम इंजेक्शन के थ्रू निकाल के पेशेंट का IVF करके जो उसका एग बाहर निकाले उसके अंदर उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो एक पहला कॉस्ट हो गया इडियोपैथिक। सेकेंड होता है वैरिकोसील। वैरिकोसील कभी कभी अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज अंदर जो वेन्स होती हैं, जो ब्लड सप्लाई करती हैं, जो गंदा ब्लड लेके जाती है, वेन्स होती है ना, आर्टरी एंड वेन, दो तरह की नाड़ें होती हैं, उसमें कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, तो अंदर ही अंदर गुच्छे जैसी बन जाती है। गुच्छे जैसी बनने की वजह से अंदर रुकावट आ जाती है, या फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसी वजह से अंदर अगर रुकावट है तो उसको सर्जरी से ठीक कर सकते हैं, या फिर वैरिकोसील को डॉपलर से अगर हमने डिटेक्ट कर लिया है तो उसका ट्रीटमेंट करा जा सकता है। थर्ड रीज़न हो सकता है अनडिसेंडेड टेस्टीज। अनडिसेंडेड टेस्टीज बच्चों में अगर डॉक्टर ने ढंग से चेक करा है, जब एक लड़का पैदा होता है अगर उसकी कौड़ियाँ यानी कि टेस्टीज दोनों नीचे नहीं आई हैं स्क्रोटम में, तो वो प्रॉब्लम की बात है। नॉर्मली बच्चा जब पैदा होता है तो टेस्टीज नीचे आ जाती हैं, ठीक है। टेस्टीज अगर नीचे नहीं आई तो इसका मतलब टेस्टीज कहीं ना कहीं पेट के अंदर रह गई हैं। पेट के अंदर रहने की वजह से उनके अंदर जो स्पर्म्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास होता है, और जो स्क्रोटम है वो नीचे, क्योंकि बाहर की तरफ होता है, बॉडी से बाहर होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है। तो जो मेल ऑर्गन है उसको बाहर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो स्पर्म्स होते हैं अंदर मर जाते हैं। तो जिन लोगों में अनडिसेंडेड टेस्टीज बचपन में डायग्नोज नहीं हुआ, किसी कारणवश उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उन लोगों में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि अंदर एस्थेनोस्पर्मिया या नेक्रोस्पर्मिया हो जाए, यानी कि स्पर्म्स है ही नहीं। फिर कुछ इन्फेक्शन होते हैं जैसे मम्स। अगर मेरे से पूछे आप कि कौन सा इन्फेक्शन है जो सबसे पहले इनफर्टिलिटी कराता है, तो अगर ट्यूब की बात ना करें, सिर्फ ओवरी और टेस्टिस की बात करें, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो बेसिकली उसमें मम्स ही एक ऐसा वायरस है जो सीधे उसी पर अटैक करता है, ओवरी पे और टेस्टिस पे। तो जिन लोगों को, जिन लड़कों को मम्स हो चुका है और टेस्टिस में पेन उठ चुका है, स्क्रोटम में पेन उठ चुका है, उनको चांसेस होते हैं कि एजोस्पर्मिया हो जाए, क्योंकि ये वायरस पूरा पूरा टेस्टिस को खराब कर देता है। फिर कुछ जॉब एक्सपोजर, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल फर्नेस, केमिकल फैक्ट्रीज में काम करना, केमिकल का एक्सपोजर होना, या फिर जैसे राजस्थान में गर्मी बहुत है, बाहर की तरफ काम करते हैं, टाइट क्लोथिंग्स पहनते हैं, या फिर टाइट लंगोट टाइप कुछ उन्होंने बांध रखा है, तो टेम्परेचर स्क्रोटम का बहुत बढ़ गया। तो हाई एक्सपोजर टू टेम्परेचर, केमिकल एक्सपोजर, या फिर जो एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरेज करते हैं, पूरे टाइम रेडिएशन में रहते हैं, और वो लेड एप्रन नहीं पहन रहे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे केसेस में इनफर्टिलिटी हो सकती है। एडिक्शंस की हमने बात कर ली, स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, अफीम, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें स्पर्म्स को ख़त्म करती हैं, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो। एडिक्शंस जेंट्स में यानी कि मेल्स में ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स में इतने नहीं होते, इसीलिए एडिक्शन का सबसे पहले हम पूछते हैं हिस्ट्री फ्रॉम द मेल पार्टनर, अगर स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम आती है, यानी कि स्पर्म एनालिसिस में, सीमेन एनालिसिस में अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है तो सबसे पहले ये हिस्ट्री ली जाती है। देन अगर कोई चोट लगी है पुरानी, उनको उस समय नहीं पता चला, चोट की वजह से कभी कभी पूरी टेस्टीज खराब हो जाती है, या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है जो कि देख के पता चल जाती है, पेशेंट जब अंदर आता है तो लग जाता है उसको कुछ ना कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, जो कि आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना कॉमन नहीं है, बट ऐसे लोगों में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। किसी किसी को डायबिटीज़ है, क्रॉनिक, कोई बहुत ही क्रॉनिक इलनेस है, क्रॉनिक डायबिटीज़, क्रॉनिक एम्फाइजीमा यानी कि लंग्स की प्रॉब्लम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस तरह के पेशेंट्स को डेफिनेटली सीमेन प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे लेडीज़ में होता है कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, इसी तरह से मेल्स में कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो स्पर्म क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। जो लोग बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं और बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेने से आपकी बॉडी ख़राब होती है। हम लेडीज़ को भी बोलते हैं कि आपका ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है। जेंट्स में भी अगर आप ज़बरदस्ती बाहर के स्टेरॉइड्स लोगे अपनी बॉडी पंपअप करने के लिए, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल में ऊपर नीचे होगा और आपकी सीमेन क्वालिटी ख़राब होगी।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग पहनने की वजह से या बहुत ज्यादा गर्मी में रहने की वजह से आपकी स्क्रोटम को हवा नहीं लगती, वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपकी सीमन क्वालिटी खराब होती, स्पर्म्स मरने लग जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम पुअर सीमन रिपोर्ट और प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है मेल्स में, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोस में भी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है कि इरेक्शन प्रॉब्लम नहीं हो रही, या फिर प्री मेच्योर इजैकुलेशन है, पहले ही पानी निकल रहा है, या फिर डिलेड इजैकुलेशन है, निकल ही नहीं रहा पानी, यानी कि इजैकुलेशन नहीं हो रहा तो सीमन बाहर ही नहीं आ रहा है। एक और कंडीशन होती है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, यानी कि पेशेंट को लग रहा है कि उसको इजैकुलेशन हुआ है लेकिन वो सीमन बाहर आने के बजाय पीछे की तरफ जा रहा है, कि जो यूरिन की पाइप है उसमें पीछे की तरफ जा रहा है, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। और ये ज़्यादातर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर कोई ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि डॉक्टर्स डिटेक्ट करके बताते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर, जो कि हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बट टेस्टिकुलर कैंसर भी हो सकता है, कभी कभी हम बायोप्सी करते हैं तो उसमें कभी कभी डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत कॉमन नहीं है और पेशेंट्स को पता नहीं चलता, तो कभी कभी इस वजह से भी सीमन की रिपोर्ट खराब आती है। अब आपको पहली बात तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो गायनेकोलॉजिस्ट जिसको आप दिखाने जा रहे हैं उनके साथ आपको अगर कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है और आपको लगता है आपको खुद को चेकअप कराना है, तो यूरोलॉजिस्ट या फिर एंड्रोलॉजिस्ट या फिर सेक्सोलॉजिस्ट को ढूंढिए, डिपेंडिंग आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी सीमन रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ गायनेकोलॉजिस्ट टेस्टिकुलर बायोप्सी खुद करती है, कुछ आपको रेफर करेंगे यूरोलॉजिस्ट के पास। अगर आपको एंडोक्राइन प्रॉब्लम है तो आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी कि जो हॉर्मोन्स के डॉक्टर हैं उनके पास जाइए। अगर आपको कुछ सीमन प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो आप यूरोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाइए। और एक और टर्मिनोलॉजी एंड्रोलॉजिस्ट, ये लोग वो हैं जो इनफर्टाइल कपल्स को, स्पेशली जिनमें मेल्स को प्रॉब्लम है, उनको पूरी तरह से पूरे पैरामीटर्स चेक करके उनको ट्रीटमेंट देते हैं। कभी कभी सर्जन्स का भी रोल आता है वेरिकोसील को रिपेयर करने के लिए, कभी कभी IVF में टीसा पीसा ये सब आपके टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन करने के लिए भी सर्जन्स का रोल आता है। सो आई होप आपको इस वीडियो में आज समझ में आया हो कि मेल्स को क्या प्रॉब्लम होती है, मेल्स को कभी भी छुपाने की जरूरत नहीं होती अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो, और किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमने सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, अब हम आएंगे कौन से इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए और क्या क्या ट्रीटमेंट स्टेप वाइज हम लोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए, मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए वीडियो या वॉइस कॉल इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाएं, मेरी वेबसाइट है www.drsonalpariha.com, उस पर कंसल्ट डॉक्टर सोनल पर क्लिक करके आप मेरे से कंसल्टेशन बुक कराइए। थैंक यू वेरी मच।